देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी है, तो उसने कहा सुनी है। आपने सुनी है? सुनी है। क्या फॉर्मूला सुना है? एम जी एच। सही सुना, मैंने सुनाया था कि वर्क एनर्जी बार में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर ऊपर लेके जाते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आप करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, वो वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही रूल है। अब 2 मिनट के लिए उस फॉर्मूले को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए उस कॉन्सेप्ट को भी भूल जाओ। आप कहोगे कि इतने महीने से हम कर रहे हैं, कैसे भूल जाए? ठीक, अगर इस टॉपिक को समझना है, फिर आपको सिर्फ जब तक ये टॉपिक चल रहा है भूलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई डेफिनेशन आ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और वो एक्चुअल डेफिनेशन है। असल में यही फॉर्मूला है और असल में यही डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। इसके बाद अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा इसको भूल जाओ। और फिर आप कहोगे सर फिर पुराने वाले का क्या करें एमजीएच का? मैं इस डेफिनेशन से उस रिजल्ट को प्रूव कर दूंगा। लेकिन वो जो एमजीएच किया वो बहुत ऊपर ऊपर से किया, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी अब हम करने वाले हैं और उसका एमजीएच से क्या लेना देना है वो भी अब डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जिसने बनाई उसने कहा कि मान लो ये अर्थ है, कैपिटल एम, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, सेंटर से रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, सपोज करो कि आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट गिवन है एम, और आप यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? यू। आप यहां पर यू निकालना चाहते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो किसी ने फिर कहा सर उसमें क्या है, ये हाइट बताओ कितना? मैंने कहा एच। कहते एम जी एच। नहीं, एम जी एच नहीं है 2 मिनट के लिए। फिर ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेते हैं, और ये हम ऐसा कभी नहीं लेंगे एच हाइट है, हम सेंटर से लेंगे। तो चलो ठीक है, उसने कहा सेंटर से ले लो। मैंने कहा सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका? आर। यानी कि आप लेट अस सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे निकालना चाहते हो? एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये पॉइंट है ए, यहां पे निकालना चाहते हो, राइट? अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि छोटे आर में से बड़ा आर माइनस करके हाइट आ गई, फिर एमजीएच लगा देंगे, तो प्लीज उस डेफिनेशन को तो भूल ही जाओ। अब नई डेफिनेशन बनाता हूं, डेफिनेशन समझना। जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वहां पर मास कितना रखा? छोटा एम। आप क्या करें, इस छोटे एम को इमेजिन करें कहां पर, कहां से लेके आना है? इंफिनिटी से। आपको कि ये क्या है? इंफिनिटी क्या है? लेके तो अर्थ की सरफेस से गए थे, लाते होंगे अर्थ की सरफेस से, पर डेफिनेशन कहती है कि आप इसको नीचे से ऊपर लेके नहीं गए, आप इसको इंफिनिटी से ए पे, ए पॉइंट पे रखेंगे। आपको कि वो क्यों? मैं भी बताऊंगा वो क्यों। तो मान लेते हैं कि आप, आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। जब मैं बोलता हूं ना इंफिनिटी, इसका मतलब कि डिस्टेंस सेंटर से कितना है? इंफिनिटी, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बहुत ज्यादा दूर, पता नहीं कहां पे होगा यूनिवर्स में। तो वहां पर फोर्स क्या लगेगी अर्थ की वजह से? बोलो, जीरो। क्योंकि जी एम एम बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/∞ जीरो है, तो फोर्स वहां पर जीरो लगेगी, राइट? बिल्कुल सही। अब आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को उठा के आप अर्थ के पास लेके आओगे जहां पर आपको एनर्जी निकालनी है। कभी ना कभी तो ग्रेविटेशनल पुल में एंटर कर ही जाओगे, हमेशा तो नहीं ग्रेविटेशनल पुल के बाहर रहोगे। तो मान लो आपने ग्रेविटेशनल पुल में एंटर कर लिया और आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, किसी भी पॉइंट पर अभी आप पी पे हो, और पी का डिस्टेंस सेंटर से इमेजिन करो कितना है? एक्स है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, वो रीजन ये है क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये छोटा एम अभी यहां पर आया है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अर्थ क्या होगी? जी अर्थ का मास पॉइंट मास अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब क्योंकि जैसे जैसे आप पास लेके आओगे एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट? फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप जब यहां पे लेके आए हो और थोड़ी देर में आप पी को कहां पे ले आए, इस मास को कहां ले आए? पी से लेके क्यू पे। इमेजिन करो आप इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले आए? पी से लेके क्यू पे ले आए,
राइट, और पी से क्यू में लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डीएक्स। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें? डीएक्स है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं। जब आप इस स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को कहां से लेके आओगे? इंफिनिटी, और कहां पर लेके आओगे? इस पॉइंट तक, और जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? स्मॉल आर। तो सेंटर से इंफिनिटी से सेंटर से आर डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो, ठीक। और अगर मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दूं तो वही क्या मानी जाएगी? इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वर्क डन अगर निकालना चाहूं तो सीधा निकाल नहीं सकता, क्योंकि फोर्स हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है? चेंज। तो वर्क एनर्जी पार चैप्टर किया था, जब फोर्स चेंज होती है तो हमें क्या लगानी पड़ती है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्यों? क्योंकि एफ क्या हो रहा है? हर इंस्टेंट पर चेंज, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? एफ नीचे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे है, अर्थ की डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है पी से क्यू। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है? एफ डीएक्स कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस नीचे। क्लियर है यहां तक? तो फोर्स की वैल्यू पी पॉइंट पर कितनी ली हमने? जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स कॉस जीरो तो वन है। और टोटल वर्क डन कहां से कहां निकालना है? जब एक्स की वैल्यू कितनी थी? इंफिनिटी से लेके जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए? आर। तो लिमिट क्या लगेगी? इंफिनिटी से आर। तो यहां टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू, जी एम एम कॉन्स्टेंट बाहर, 1 बाय एक्स का स्क्वायर डीएक्स, इंफिनिटी से स्मॉल आर, एक्स की पावर माइनस टू, इंफिनिटी से लेके स्मॉल आर। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर माइनस टू और x की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाहर आ गया, माइनस जी एम एम, एक्स की पावर माइनस वन इज वन बाई एक्स, इन्फिनिटी से r। एक बार x की जगह r, एक बार x की जगह इन्फिनिटी, ये ना वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो आंसर क्या आ गया? माइनस जी एम एम बाई एक्स आर, माइनस जी एम एम बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई ए पॉइंट पे, माइनस जी प्लैनेट का मास, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस में आया। माइनस में क्यों आया? एक तो मैं चाहता हूं कि माइनस में आए, उसका रीजन है, एक तो ये रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यह है कि मैं क्यों चाहता हूं माइनस में आए, क्योंकि अगर सपोज करो ये अर्थ है, मान लो एक मिनट के लिए ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल आर है, जो भी है, मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब मैंने लगाया, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय व्हाट, आर। आप एक मिनट सोचो, यहां पर मैंने जी एम एम आर पुट कर दिया और आंसर कितना आ गया? माइनस 10 जूल आंसर आ गया, राइट, माइनस 10 जूल। मान लो एक मिनट के लिए अगर मैं आर को बढ़ा दूं, मैं दूर चला जाता हूं, तो पॉइंट ए से सपोज पॉइंट बी पे चला जाता हूं, तो बोलो स्मॉल आर बढ़ गया, ये फ्रैक्शन क्या हो गई? डिक्रीज। माइनस साइन तो नहीं हटेगा, तो यानी कि माइनस 10 की जगह इमेजिन करो यहां पर माइनस 8 हो गया। देखो ना, मैग्नीट्यूड कम हो गया, माइनस तो माइनस है। फिर मैं आर और बढ़ाता हूं, आर बढ़ाने से मैं सी पॉइंट पे आता हूं, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है? माइनस 6 जूल, और कम हो गया इसमें। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही होगा, मैं ऊपर जाता जाऊंगा, माइनस 10, माइनस 8, माइनस 6 करते 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 कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ बढ़ रही है ऊपर जाने में कि कम हो रही है? कितने लोग बोलते हैं बढ़ रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माइनस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 8 एंड माइनस 8 इज ग्रेटर देन माइनस है ना, तो जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा हो जाएगा। तो ठीक बनाई जिसने बनाई है एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी से लेके आया तो अच्छा हुआ माइनस साइन आया, अगर नीचे से लिमिट लगाता तो हो सकता है माइनस साइन आता और गड़बड़ हो जाती,
और सबको मालूम है कि अगर मैं जितनी ज्यादा हाइट अटेन करता हूं मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। बुक्स इसका आंसर ऐसे देती हैं कि माइनस साइन क्या शो करता है, कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से थोड़ी ना आया होगा, एक्चुअल में तो वो कहां से गया होगा, नीचे से, और जब नीचे से जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तो अगेंस्ट जो ग्रेविटी जा रहा है इसलिए साइन माइनस है। पर देखा जाए तो दोनों चीज एक्सप्लेनेशन सही है, आना ही माइनस चाहिए। तो आपके पास ये इसका आंसर है और एक्सप्लेनेशन है कि माइनस साइन क्या शो करता है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, -4 -3 -2 करते करते इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे आर इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, सही है, इसका मतलब एकदम सही है, कोई डाउट इसमें। तब आपको एक और फॉर्मूला पता लग गया पोटेंशियल एनर्जी का, -gmm/r। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, क्वेश्चन फिर भी यही है MgH क्या करते थे फिर, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं जी, चलो मान लिया आज कि यहां पर अगर एक बॉल ऊपर जाती है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/r ऐसे ही है, तो फिर हम आज तक जो MgH करते हैं, m इंटू छोटा g इंटू h, वो क्या चीज है, उसको समझाने के लिए ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, ये ड्राइव करने को आएगा, संडे को भी आएगा जब टेस्ट होगा, आज टेस्ट नहीं है, अगली बार संडे को टेस्ट है इसका, आज के चैप्टर आज वाला टेस्ट भी होगा और अगली बार ये लेक्चर भी ऐड हो जाएगा। ठीक, पढ़ के आए थे वैसे आज, दोबारा पढ़ के आएंगे, दो बार पढ़ के आएंगे, और ये आज का लेक्चर भी ऐड करके दूंगा करने को प्रूफ। ठीक, ये देखो अब मैं आपको आंसर देता हूं, वो हम MgH क्या करते थे, ध्यान से देखना। सपोज ये अर्थ है, इसका रेडियस क्या है, आर है, अर्थ है और रेडियस आर है। अब नॉर्मली हमने आज तक ये सीखा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन रियलिटी है कि एनर्जी उसकी जीरो होती नहीं है वहां पे, क्योंकि उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, -g(m)·m)·r, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, यहां पर कैपिटल आर, तो आपको यहां कैपिटल आर कंसिडर करना है, कोई डाउट इसमें, -g(m)·m)·r, तो आंसर जीरो नहीं बोलना, एक्चुअल में रियलिटी में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं। मान लो एक मिनट के लिए आप बहुत छोटे डिस्टेंस h डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, जैसे वर्क एनर्जी पार में एक बॉल को ऊपर ले जाया करते थे, तो यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, -gmm/ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h, कोई डाउट इसमें, -gmm/r+h। तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि ऊपर जाने में एनर्जी बढ़ जाती है, तो कितनी बड़ी, चेंज इन एनर्जी इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है, -gmm/r+h, इनिशियल कितनी है, -gmm/r। माइनस करें, जब माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। जीएमएम बाहर आ गया, इसकी जगह आया 1/r, इसकी जगह आया -1/r+h, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहे हैं यहां तक। ठीक, अब एक काम करते हैं, जी एम एम क्योंकि बाहर है, अब एक काम करते हैं कि इनमें से 1/R को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, निकल नहीं रहा फिर भी निकालते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1, और आर प्लस एच को किससे डिवाइड किया हमने, आर से, क्योंकि 1/R कॉमन निकाला तो ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर, ओपन करके देख लो, 1/R को मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक, अब इस स्टेप को ध्यान से देख लें कैसे करना है, इस स्टेप में क्या बचा हमारे पास, R/r+h। एक काम करते हैं, इस R को R+h के नीचे ले चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, R/r क्या होता है, 1+h/r, तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई, चेक करो, ठीक चेक करो, तो मेरे पास R/r+h है, R जब इसके नीचे जाएगा तो 1+h/r हो जाएगा, ये रहा। ठीक, ये स्टेप क्लियर है, 1+h/r जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, 1+h/r^-1, ये टर्म आ गई। अब फिर से एक बार जैसे लास्ट टाइम लगाई थी बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या थी कि अगर h बहुत छोटा है और r बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये टर्म 1 है, तो बाइनोमियल
एप्लीकेबल है जिसमें माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, वन माइनस एच बाई आर, बाइनोम में लग गई। इसे ओपन किया, वन में से वन गया कट गया, ये माइनस माइनस प्लस एच बाई आर, तो इसको मल्टीप्लाई किया जी एम एम एच बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्मॉल जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना कैपिटल जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल जी एम क्या होगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, एम जी एच, और वो भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपने क्या लगाई इसमें, बाइनोमियल। क्लियर? तो जितना भी हमने काम किया वर्क एनर्जी पार रोटेशनल तक, जहां जहां हमने एम जी एच यूज किया, हम वो एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते थे, हम एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेते थे, कि अगर मैं ग्राउंड से एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को ले जाऊं तो देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक? और सिंपल करने के लिए हम क्या कर लिया करते थे, हम ये कहते थे कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ तो लेते नहीं थे ना, हम तो ग्राउंड लेते थे, ग्राउंड पे यहां पर एनर्जी जीरो है, ये हाइट एच है, तो यहां पर एनर्जी एम जी एच है, तो चेंज इन एनर्जी कितनी है, एम जी एच माइनस जीरो इज एम जी एच, सिर्फ चीजों को आसान करने के लिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट है एनर्जीज के। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो फिर किसी ने कहा कि अब अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा फिर मैं क्या लगाऊं, एम जी एच लगाऊं या माइनस जी एम बाय बाय आर लगाऊं, अगर तो वर्क एनर्जी पर रोटेशनल चल रहे हैं फिर तो एम जी एच लगाएं जैसे चलता है। अगर प्रॉपर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है रेडियस ऑफ अर्थ भी लें, आपको पता लग जाएगा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है और एनर्जी पूछ रहा है, ऑप्शन भी ऐसी मिलेंगी आपको ए बी सी डी माइनस जी एम एम बाय, तो फिर माइनस जी एम एम बाय आर ही लगाएं। राइट? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?